मॉर्निंग दोस्तों, तो ये सुबह का नज़ारा है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बरसातों के बाद, मतलब अगर बरसात तो शुरू नहीं हुई है दोस्तों अभी, लेकिन कल जो है रात में बरसात हो गई थी, बारिश हो गई थी। तो बारिश 10:30 बजे रात में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद सुबह जो है इन पौधों की जो मिट्टी है दोस्तों, देखिए मॉइस्चर है सभी में। तो दोस्तों जब रात में बारिश हो तो आप सुबह जो है पौधों में पानी मत लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर है, सभी पौधों में मॉइस्चर है, तो एक्सेस में पानी हो जाएगा अगर आप सुबह भी पानी लगा देंगे दोस्तों। तो मैंने इनमें बिल्कुल भी आज सुबह पानी नहीं लगाया है। और दूसरा दोस्तों, आप ये करिए कि जैसे ये प्लेट होती है, ये जो नीचे की ट्रे होती है पौधे पॉट के नीचे की, तो इसको भी बारिश जब हो रही हो तो आप उसे बाहर निकाल दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। क्योंकि वरना क्या होगा दोस्तों, इसमें पानी जमा हो जाएगा और इसमें पूरा पानी भर जाएगा। तो इसीलिए आप जो है इसकी इसको बारिश के समय से हटा दीजिए। और सुबह क्योंकि अब धूप निकल आई है दोस्तों, तो मैंने इसको दोबारा से प्लेट को इसमें लगा दिया है। तो ये है दोस्तों, ये बारिश के बाद की कुछ जानकारी कि बारिश अगर हो जाए रात में तो सुबह आपको पौधों में पानी नहीं लगाना है। और देखिए दोस्तों, ये मैं पौधा एक नया लेके आई थी, ये वाला। और देखिए दोस्तों, एक मैं ये चांदनी है, ये छोटी चांदनी है, ये लेके आई थी। और देखिए दोस्तों, मैं ये भी एक चांदनी का पौधा लेके आई थी, इसमें वाइट कलर के फूल खिलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मधुमालती का पौधा है। और एक ये है दोस्तों, ये शायद दोस्तों जूही का पौधा है। आप मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये कुछ 4-5 पौधे मैं दोस्तों लेके आई थी। तो ये कैसे लग रहे हैं आपको, मुझे बताइएगा। और दोस्तों ये बस बात आप ध्यान रखिए, अब देखिए सुबह अब धूप निकल रही है, सुबह जो है अब धूप हो गई है, तो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया है क्योंकि मॉइस्चर है। अब नीचे तो और भी ज़्यादा मॉइस्चर होगा दोस्तों, तो इसीलिए पानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। शाम को अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा लगा लूँगा दोस्तों। दूसरा काम आप बरसात में आप ये करेंगे कि जो ये जो आपके पॉट हैं, इसमें जो नीचे छेद होते हैं उनको भी आप किसी भी नुकीली चीज़ से, जैसे ये है, इससे आप उनको खोल लीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, जैसे ये है, तो इसमें ये जो है, ये जो ड्रेनिंग होल है, ये आप इनको इस तरीके से अच्छी तरीके से दोस्तों कर लीजिएगा, ताकि पानी इस पॉट में जैसे बारिश आए तो ठहर ना पाए। तो अच्छी तरीके से करके, और फिर ये मैं लेके आई थी दोस्तों, तो अभी मैं इसको ऐसे ही ट्रांसप्लांट कर रही हूँ, तो बाद में देखा जाएगा इसको दोस्तों। बस तो अभी मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ ताकि बरसात में जो पानी है वो आसानी से निकल जाए। और तीसरा काम आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए ब्लॉग में। तो नेक्स्ट आपको ये काम करना है दोस्तों कि जो हमने शेडिंग की थी वो हमने अभी हटा दी है, क्योंकि ऊपर हमारे टीन है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें अभी शेडिंग करें। तो जितनी थोड़ी बहुत ज़रूरत थी उतनी ही करी हुई है। बाकी जो शेडिंग यहाँ पे दोस्तों लगाई हुई थी या फिर यहाँ पे जो लगाई हुई थी वो भी मैंने हटा दी है, क्योंकि दोस्तों पौधों को देखिए, सारे जो फूल वाले जो पौधे हैं, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं दोस्तों, तो जैसे ये गंधराज का मैं लेके आई थी, और ये तो आपको दिखाया ही था दोस्तों, और ये बोगनविलिया है। तो इनको दोस्तों, ये सारे फूलों वाले जो पौधे हैं, इनको दोस्तों जो है वो धूप की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ऊपर तो टीन है तो डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, लेकिन साइड से, इधर से धूप आनी चाहिए। तो शेडिंग से गर्मियों के लिए तो ठीक है, शेडिंग आपने कर दी है, लेकिन उसके बाद मैंने अभी ये शेडिंग हटा दी है, क्योंकि ये सारे मेरे फूलों वाले पौधे हैं दोस्तों। तो ये देखिए, इसमें भी कली आ रही है। तो ये जब भी आएंगी कलियाँ, जब आप ये जो शेडिंग है ये थोड़ी सी साइड से हटा दीजिए, ऊपर आप रखना चाहे तो रख लीजिए, लेकिन जो जब बरसात हो तो आप साइड वाली ये मैंने हटा दी है, ताकि धूप प्रॉपर आए। ये सारे दोस्तों धूप वाले पौधे हैं। जो बिना धूप के पौधे हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ये है,
सॉन्ग ऑफ इंडिया का है, या फिर मनी प्लांट है, इनको या फिर ये है, या फिर रबर प्लांट है, ये है पौधों, तो इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जितने भी फूलों वाले, जैसे ये है, इसको धूप की ज़रूरत है, ये है, इनको धूप की ज़रूरत है। तो ये है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।